शादी समारोह में हर्ष फायरिंग के लिए तमंचा खरीद कर जा रहे युवक को ट्रैफिक पुलिस ने दबोचा। कानपुर के टाटमिल चौराहे पर रेड सिग्नल को क्रैक कर भाग रहे बाइक सवार युवक को ट्रैफिक पुलिस द्वारा दौड़ाकर पकड़ा तो उसकी कमर में लगा लोड तमंचा सड़क पर गिर गया। ट्रैफिक पुलिस ने तुरंत इस मामले की सूचना थाना रेल बाजार पुलिस को दी। पुलिस ने युवक को हिरासत में लेते हुए पूछताछ की तो युवक ने अपना नाम थाना बाबूपुरवा क्षेत्र मुंशीपुरवा निवासी तौफीक बताया। साथ ही बताया कि तमंचा शादी समारोह में हर्ष फायरिंग करने के उद्देश्य से चमनगंज से खरीद कर लाया है। वही पुलिस इस एंगल पर भी जांच कर रही है कि जिस समय तमंचा सड़क पर गिरा वह लोड था, क्या वह किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था। वहीं थाना रेल बाजार पुलिस तमंचा बेचने वाले की तलाश में भी जुटी हुई है। वहीं थाना प्रभारी रेल बाजार विजय दर्शन शर्मा ने बताया कि युवक के साथ बाइक पर कोई अन्य व्यक्ति सवार था कि नहीं, यह जानने के लिए ट्रैफिक पुलिस के कंट्रोल रूम में सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। जल्द ही असलाह बेचने वाले गैंग का खुलासा किया जाएगा। आरटीआई न्यूज 24 कानपुर। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आरटीआई न्यूज 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।